हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नीट क्लासेस फैमिली में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। पिछली वीडियो हमने बहुत ही आसानी से रिव्यू टैब के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग फिर से व्यू टैब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स है इस वीडियो में हमको पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक्स हमारा होता है वर्कबुक व्यू। वर्कबुक व्यू यानी कि अपने जो भी सीट है उसको किस किस रूप में आप देखना चाहते हैं, किस किस पोर्शन में, तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। साथ में अपने रूलर को या किसी भी मेजरमेंट को अगर हाइड एंड हाइड करना चाहते हैं, तो आप शो एंड हाइड के यूज करके आप अपने ग्रिड लाइंस को हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, जैसे आपको जरूरत हो वैसे कर सकते हैं। जूम का भी ऑप्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे पेज को जूम करते हैं, जूम आउट करते हैं, बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं। साथ में विंडो के भी बारे में पढ़ेंगे। ये नहीं विंडो 7, विंडो 10 के बारे में नहीं यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे ये पढ़ना है कि एक्सेल में हम कैसे अपने विंडो को एक स्प्लिट कर सकते हैं, दो चार विंडो को एक ही साथ में देख सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ऐसे विंडोज को एक साथ में देख कर उस पर वर्क कर सकते हैं। साथ में मैक्रोस का भी यूज करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम लोग इसका डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं करेगा। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेल का लास्ट वीडियो है हमारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। आगे भी हम एक्सेल में बहुत सारे वीडियोज लेकर आने वाले, जिसमें हम सारे फॉर्मूला का डिस्कस करने वाले हैं, सारे टैब पे वर्क करने वाले हैं कि इस टैब का वर्क कैसे किया जाता है, उस पर क्या क्या चीजें बनाई जाती है, कैसे कैसे आपको उपयोग आता है। कहीं भी आप कंपनी में जाते हैं या किसी भी शॉप पे वर्क करने जाते हैं, तो क्या क्या चीजें कैसे होती हैं। आप यहाँ पे सिंपली हम पीपीटी को क्लोज करते हैं, अपने नॉर्मली हमने पीपीटी को यहाँ पे क्लोज कर दिया, अब इसे भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सेल सीट को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिंपली एक्सेल सीट को ओपन कर लिया है। एक मेरा यहाँ पे कोई भी सीट मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख लिया है। अब यहाँ पे सिंपली पहला चीज हमको पढ़ना है वर्कबुक व्यू, यानी व्यू टाइप का हमारा जो ऑप्शन आता है वर्कबुक व्यू, फिर शो एंड हाइड पढ़ेंगे, फिर जूम, फिर विंडो, फिर मैक्रोस। वर्कबुक एंड व्यू का मतलब क्या होता है, इसमें अपना जो भी आपका वर्कबुक, जो भी आप जिस पेज पे वर्क कर रहे हैं उसे किस किस तरीके से आप देख सकते हैं, वो सारा चीज आपको वर्कबुक व्यू में देखने को मिलेगा। नॉर्मल तो हम लोग देख ही रहे हैं, अगर इसे पेज लेआउट मोड में देखना चाहते हैं तो पेज लेआउट मोड पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पे आप कुछ हेडिंग भी लगा सकते हैं, कुछ फुटर भी, यानी कि हेडर और फुटर भी आसानी से यहाँ से यूज करके आप अपने पेज का कोई भी हेडिंग देना चाहते हैं, यानी कि जो मैं शीट बनाया यहाँ पे देना चाहते हैं कि भाई ये क्लास इस क्लास का है, जिस स्कूल का नाम है, तो आप यहाँ से आसानी से हेडर में दे सकते हैं और साथ में फुटर में कुछ बॉटम में लिख कर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बारे में जो पेज लेआउट का टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग काफी ब्रीफ डिस्कस करने वाले, कुछ आगे बात करेंगे, आगे किसी वीडियो में इस वीडियो को लेकर आएंगे जिसमें हम लोग सारा चीज क्लियर कर लेंगे। पेज ब्रेक का प्रीव्यू, यानी कि इस पेज का जो भी है पेज ब्रेक प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, आप ऐसे भी देख सकते हैं। नॉर्मल करना है तो सिंपली नॉर्मल बटन पे क्लिक करिए, नॉर्मल हो जाएगा। कस्टम व्यू करना चाहते हैं तो आप जैसे जितना शेप को, जैसे मैंने अब मान लीजिए इतना ही शेप को हमको किसी ऑनर को दिखाना है कि भाई जब ऑनर आए और कस्टम व्यू करे तो बस उसे इतना ही दिखे, काफी बड़ा आपके पास सीट है, इतना बड़ा सीट है और आप चाहते हैं बस ऊपर का इतना पैराग्राफ दिखे, तो आप इसके लिए कस्टम व्यू का उपयोग कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, सिंपली इतना मैटर को सिलेक्ट करना है, कस्टम व्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करके वैसे नेम पूछ लेगा, HHHH लिख दीजिए, ओके कर दीजिए। अब जब भी आप कस्टम व्यू पे आएगा, क्लिक करेगा और HHHH पे क्लिक करके यहाँ पे शो करेगा तो बस उतना ही हाईलाइट हो जाएगा, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि ये मैटर हमको देखने के लिए बोला गया है। तो ये होता है हमारा कस्टम व्यू का उपयोग। फुल स्क्रीन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका पूरा स्क्रीन फुल हो जाएगा और आप फुल्ली अपने स्क्रीन को देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वर्क बुक एंड व्यू। आगे बढ़ते हैं शो एंड हाइड के बारे में। शो एंड हाइड कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली क्या है भाई, अपने ग्रिड लाइन को दिखाना चाहते हैं हटाना चाहते हैं, रूलर को दिखाना चाहते हैं हटाना चाहते हैं, फॉर्मूला बार को दिखाना चाहते हैं हटाना चाहते हैं, ये होता है फॉर्मूला बार, इसके बारे में आगे डिस्कस कर लिया था। हेडिंग्स को हटाना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं तो ये भी मैंने डिस्कस कर लिया कि भाई हेडिंग किसको कहते हैं, तो नॉर्मली अगर इसे हटाना है दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं और नहीं दिखाना चाहते तो नहीं दिखा सकते। ये होता है हमारा शो एंड हाइड का यूज। जूम का, पेज को जूम करना चाहते हैं तो जूम कर सकते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं जूम आउट कर सकते हैं, जैसे आपकी जरूरत हो वैसे इसका यूज कर सकते हैं। ये होता है हमारा जूम एंड जूम आउट। इसके बाद हमारा न्यू विंडो, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं विंडो का ऑप्शन मिल गया है। विंडो में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे न्यू विंडो, अरेंज ऑल, फ्रीज पैनल्स, स्प्लिट, हाइड और भी काफी चीजें हाईलाइट हो जाती हैं जब हम विंडो का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं विंडो का यूज, ये दिमाग में आना चाहिए। आखिर विंडो का यूज हम क्यों करें, मान लीजिए आपके पास 2-3 सीट है ऐसे स्कूल का वर्क करना है, बच्चों का नाम दूसरे सीट से सीट पर लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग न्यू विंडो का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली न्यू विंडो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3-4 विंडो ओपन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे विंडो ओपन हो चुके हैं। अब सबको हमको अरेंज ऑल कर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आपको करना है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, कैस्केड या टाइल, जैसे हॉरिजॉन्टली करना हॉरिजॉन्टली करके ओके कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपका पेज सारा दिख जाएगा। ये होता है हमारा अरेंज ऑल। स्प्लिट करना चाहते हैं तो 1 by 1 आप स्प्लिट करते रहिए, देखिए यहाँ पे स्प्लिट हो गया हमारा स्क्रीन, दूसरा स्प्लिट करेंगे, दूसरे पे क्लिक करेंगे स्प्लिट करेंगे, दूसरा स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगा।
अगर आप फ्रिज एंड पैंस का यूज करना चाहते हैं, फ्रिज पैंस, फ्रिज टू रो, फ्रिज टू कॉलम, यानी कि जो भी सीट है उसे फ्रिज करना चाहते हैं रो में, कॉलम में या टॉप पैन मोड में, तो आप यहाँ से आसानी से फ्रिज टू पैंस पर क्लिक करके यूज कर सकते हैं। साथ में अगर आप किसी भी सीट को हाइड करना चाहते हैं, आप हाइड पे क्लिक कर देंगे तो सीट हाइड हो जाएगा, अनहाइड करना चाहते हैं तो अनहाइड हो जाएगा, जैसे कि अनहाइड हो गया यानी कि हर छुप गया फिर आपको दिखने लगा। व्यू साइड बाय साइड करना चाहते हैं तो पूरा आपको वन बाय वन, जैसे दो इस पहले के साथ आप किसको देखना चाहते हैं, दूसरे या तीसरे को, जिसको भी देखना चाहते हैं उसको कर देंगे तो वो साइड बाय साइड दिखने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं साइड बाय साइड मेरा स्क्रीन दिख रहा है। इसके बाद यूज यहाँ पर होता है सैनोराम से स्क्रॉलिंग का। स्क्रॉलिंग के साथ आप पेज को ऊपर अप डाउन करना चाहते हैं, दोनों आपका एक ही साथ होगा, देख सकते हैं दोनों शेप में हमारे एक ही साथ वर्क करता है। ये होता है हमारे विंडो। रिसेट पे क्लिक कर देंगे रिसेट आपको पोजिशन हो जाएगा पूरा। अगर नॉर्मल मोड करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से इस वाले विंडो को क्लोज कर देना है, इस वाले विंडो को क्लोज कर देना है, इस भी विंडो को क्लोज कर देना है, और सिंपली इसको भी क्लोज करके, इसको नहीं क्लोज करते, ऊपर वाले को क्लोज करते हैं, यहाँ को भी नहीं क्लोज करते हैं, सिंपली क्या कर देते हैं पूरा क्लोज ही हो गया। तो इसे क्या करते हैं सिंपली रिफ्रेश करके अपना एक्सेल दोबारा हम लोग ओपन करते हैं। यानी कि क्या कहने का मतलब ये है कि आप अपने विंडो को, यानी कि जो भी एक्सेल में जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें आप बहुत सारे विंडो को एक साथ देखना चाहते हैं, बहुत सारे वर्क करना चाहते हैं एक ही साथ में, तो आप विंडो का यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मली होता है हमारे विंडो। अब नॉर्मली हमारा होता है सेव वर्क स्पेस, यानी नॉर्मली जल्दी से आपको इतना मैटर लिखे और इतने मैटर को सेव करना चाहते हैं तो सेव वर्क स्पेस से क्लिक करें, डायरेक्टली आपका सेव हो जाएगा। स्विच विंडो का क्या यूज होता है, जैसे हम यहाँ पे पांच छह विंडो का यूज कर लिए तो आप यहाँ पे स्विच विंडो पर क्लिक करके जितना भी आपके पास विंडो रहेगा, पांच छह सात आठ सबका यहाँ पे दिखाएगा, जिस विंडो पे जाना है आप यहाँ पे स्विच विंडो पर क्लिक करके चले जाते हैं। ये होता है हमारे विंडो का पूरा वर्क, यानी कि हमने वर्कबुक व्यू, शो एंड हाइड, जूम और वो विंडो को आसानी से समझ लिया कि इसका यूज क्या होता है। नॉर्मली हमारा लास्ट टॉपिक है मैक्रोस, जो का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ही क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना। यहाँ पे देख सकते हैं पहले रिकॉर्ड मैक्रोस दिया, यानी कि जो भी वर्ड आपको बार बार यूज आता है उसे चाहते हैं किसी भी शॉर्टकट की या कोई भी बटन से सेलेक्ट कर लें और उसे जब भी हमको लिखना हो बस वो शॉर्टकट की लगाएं, ऑटोमेटिकली लिखता रहेगा। इसके लिए कैसे यूज करते हैं मैक्रोस का वो मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान लैंग्वेज है, ध्यान से सुनिएगा। सिंपली मैक्रोस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोस को ऑन कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल के साथ क्या बटन लगाना चाहते हैं आप, यहाँ पे लगा दीजिए यक्स, और यहाँ पे क्या क्या डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका रिकॉर्डिंग यहाँ पे चालू हो गया, चालू हो गया तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है NWED नीड क्लासेस, ये हमने मैक्रोस का कंट्रोल एक्स से लिख दिया। अब इसे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आकर इसे क्या करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग होगा, मीन वी मैक्रोस पे क्लिक करेंगे तो आपको पहला मैक्रोस दिखेगा, इसे रन करने के लिए कहेंगे जहाँ भी वहाँ पे रन हो जाएगा, या डायरेक्टली कंट्रोल एक्स करेंगे तो आपका इस वाले लाइन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप देख सकते हैं जहां पे भी रहेंगे वहां पे आ जाएंगे, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अगर एमएस वर्ड में इसका यूज करेंगे तो एक ही वर्ड को बार बार लिखना है, यानी कि कोई नीट क्लासेस है हमको बार बार लिखना है तो हम सिंपली यहां से यूज करके नेट, जैसे यहां से मैटर को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम कंट्रोल एक्स के तरह यूज करेंगे, उसे जब भी आपको लिखना रहेगा कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो आ जाएगा। और व्यू टैब में, यानी कि हमारे एक्सेल में क्या होता है, व्यू टैब में मैक्रोस का यूज, अगर आपको किसी वर्ड पे जाना है, यानी कि उसको मान लीजिए इस वर्ड को है, इतने पूरे वर्ड को है, अब इसको हमने किसी वर्ड से यूज कर लिया, अब जब भी उस वर्ड पे आपको जाना है, आपके पास पांच छह लाइन का पेज, आप चाहते हैं कि इस वर्ड को हम भूले ना, तो उसे मैक्रोस की तरह यूज कर लीजिए किसी भी शॉर्टकट की से, और उसे जब भी जाना तो शॉर्टकट की यूज करें, डायरेक्टली उस वर्ड पे हम चले जाते हैं। ये होता है हमारे मैक्रोस का यूज एक्सेल में। और विंडो में कैसे यूज करते हैं, यानी कि एमएस वर्ड में कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में बहुत ही आसानी से डिस्कस कर लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ जहां पर जाके आप क्लियरली हर एक चीजों को समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आएगा, और यहाँ पे मैंने एमएस एक्सेल के हर एक टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा रिव्यू। अगर आप नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर नई पहली बार आए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होम टैब का इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा रिव्यू, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही आसानी से डिस्कस कर लिया वन बाय वन, फार्मूला में कौन कौन से फार्मूला यूज होते हैं नॉर्मली, इन सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से डिस्कस हमने कर लिया है। आशा करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, काफी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेगा, साथ में शेयर करना नहीं भूलेगा। अगर आपके किसी फ्रेंड को, किसी भी दोस्त के रिश्तेदार को अगर चाहिए एक्सेल की सीट, टोटल नोट्स, PDF हर एक चीज बिल्कुल फ्री में बिना किसी पैसे को देने के लिए, तो आप यहां से डायरेक्टली जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ needclasses.com पे जाके आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको बिल्कुल फ्री में सारे PPT नोट्स, एक्सेल के, एमएस वर्ड के, पावर पॉइंट के बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स के बारे में, कुछ और अच्छा टॉपिक्स लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।